सरफराज सैमुअल मेरे वाले साहब हैं और पादरी एस्टिमल सैमुअल जो खुदा के कादिम भी थे और उन्होंने इंडिया से सेमिनरी के दौरान म्यूज़िक को सीखा और तबले में उनका बहुत बड़ा नाम था। और इसी तरह से जो मेरे चाचू जोसेफ मुबशर हैं उनका भी तबले में बहुत नाम था और खुदा ने उन्हें बहुत अच्छी आवाज़ भी दी थी और वो बहुत अच्छा गाते थे। और मुझे ये इस्तेहकाक हासिल हुआ कि मैं उनसे सीख सकूं और बहुत हम्बल पर्सन थे और बहुत ही मैंने उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया। मुझे याद है जब वो गांव आते थे तो रात लेट नाइट उनके साथ बैठकर हम सीखते पूछते, उन्हें मैं दबाता भी था और वो तबले के बारे में बहुत कुछ उन्होंने सिखाए जो कुछ भी मैं बजा रहा हूँ ये उनकी वजह से है। और मुझे मौका मिला कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ। मुझे बहुत कमी महसूस होती है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अब मुझे जो है वो सेंस आई कुछ तबले की, लेकिन वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। अभी मुझे लगता था कि अगर वो अब होते तो अब शायद मुझे कुछ समझ आ रही थी तबले की और मैं उनसे कुछ सीख पाता और वो बरकत वो ब्लेसिंग्स जो उनसे मुझे मिली है तबले की सूरत में, उससे बहुत कम उम्र में खुदा ने इज्जत दी है और लोग जानते हैं उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ है। मुझे बड़ी कमी महसूस भी होती है उनकी, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी के जितना टाइम उन्होंने यहाँ पर स्पेंड किया, हमने बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वो रहते थे हमेशा, बहुत कुछ सीखा उनसे, उनकी खिदमत भी बड़ी की है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा उन्होंने दी है, वो तोड़े जो उन्होंने दिए हैं और उन्होंने आगे ट्रांसफ़र भी किए हैं और हमें सिखाया है। तो मुझे ये बहुत खुशी भी हो रही है कि मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा है और मैंने उस वक्त को जो है वो वेस्ट नहीं किया और बल्कि सीखा है, बरकत ली है। खुदा उनकी इस बात के लिए शुक्रगुजारी हुई। चूँकि वक्त कम है, बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा तबला भी जो है वो पेश करूँ। और चूँकि हमारा जो घराना है वो दिल्ली है, दिल्ली घराना है, तो चूँकि यहाँ पर पंजाब घराना ज़्यादा बजाया जाता है, लेकिन मैं कुछ बड़ी यूनिक चीज़ें हैं दिल्ली घराने के लिए थोड़ी सी बजाऊँगा उनकी याद के लिए। Thank you.
दरिद्र जो किरदार तक दरिद्र जो किरदार तक दरिद्र जो किरदार तक।